अभय वर्मा जी 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्री दिनेश मोहनिया जी के कॉलिंग इंटेंशन पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैडम, कॉलिंग अटेंशन किसी अधिकारी को लेकर था, लेकिन चर्चा जल बोर्ड पे हो रहा है। इस बात से मैं प्रसन्न हूँ कि कम से कम इस हाउस में दिल्ली की जनता की जो समस्या है, पानी और सीवर, उसको लेकर किसी न किसी बहाने से सरकार ने चर्चा कर ली। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद करूँगा। किसी एक अधिकारी को पकड़ के कि वो पैसा नहीं दे रहा, वो फाइल रोका हुआ है, उसके कारण नहीं हो रहा, ये सब आई वॉश, ये सिर्फ दिल्ली की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है। सत्य ये है कि मंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि जल बोर्ड जो प्रॉफिट बॉडी थी, आज नुकसान में क्यों है, इस पे जवाब देना चाहिए। सत्य ये है कि मुख्यमंत्री ने 3 बार चुनाव लड़े, 3 बार उन्होंने कहा कि हम दिल्लीवासी को 24 घंटे पानी देंगे, उसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किया। दिल्ली की जनता, कम से कम मेरे विधानसभा के लोग ये कहते हैं कि हमें 20,000 लीटर फ्री का पानी नहीं चाहिए, हमें कम से कम 2 घंटे शुद्ध पानी दे दो पीने के लिए। कभी 2 घंटे मिलते थे, फिर 1 घंटे हुए, अब 15 मिनट रह गया। बहुत गंभीर विषय है मैडम। बहुत सही कहा कि जहर पिला रहे हो क्या। और मेरा ही नहीं, मैं 70 विधानसभा की बात कर रहा हूं। लेकिन हम सत्य को नहीं देखना चाहते, ना सत्य को सुनना चाहते, हम सिर्फ दोषारोपण करके एक अधिकारी के खिलाफ कॉलिंग अटेंशन लाके अपने आप को बचाना चाहते। मंत्री जी बताए ना, पानी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, कितने MGD पानी बढ़ाया इन्होंने। और देखिए कमाल की बात, इस बार सीवर की बहुत बड़ी समस्या आई है। नगर निगम में आपकी सरकार आई, खूब ढोल पीटे गए। जो नालियां, गलियों की नालियां की सफाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। बारिश का पानी आया, सीवर में चला गया। अब सीवर का भी एक कैपेसिटी है, वो सीवर बैठ गया, सब तरफ पानी भर गए, नल में भी सीवर के पानी आने लगे। तो अपनी गलतियों को देखना नहीं है और भविष्य के लिए उन गलतियों को ठीक नहीं करना, ये मुझे लगता है कि हाउस में चर्चा होना चाहिए। और जल बोर्ड में चर्चा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। मंत्री जी से मैं एक और आग्रह करूंगा। हम भी कहते रहते हैं कि 800 करोड़ का घोटाला हो गया, 900 करोड़ का घोटाला हो गया, एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। कितना रुपया जल बोर्ड कमा रहा है, कितना रुपया खर्च कर रहा है। मैडम एक उदाहरण देता हूं, मेरे विधानसभा में 5 गाड़ियां चलती है सीवर लाइन को खोलने के लिए। एक गाड़ी को 70,000 रुपया महीना जल बोर्ड पे करता है। और जब भी मैंने अपने विधानसभा में पता किया है तो पांचों गाड़ी अवेलेबल नहीं रहा है, कंडीशन यूजेबल नहीं रहा, कभी कुछ खराब है, कभी कुछ खराब है, जल बोर्ड के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कई बार मैंने अधिकारियों पे प्रेशर बनाया कि भाई 5 गाड़ी आपने मेरे विधानसभा में लगा दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पेमेंट जा रहा है, ये क्या मामला है, इसको ठीक करो। नहीं जी, ये तो ऊपर से तय हो रखा है। और सत्य यह है कि जल बोर्ड में पैसा नहीं है। एक अधिकारी ने मुझे बताया कि अब सिर्फ 2 महीने के तनख्वाह रह गए हैं। हम अधिकारियों पे दोष लगा के अपने आप को बचा लेंगे। अरे भाई, आपने 7-8 साल जल बोर्ड को चलाया है, कैसे घाटे में गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि जल बोर्ड के ये हालात खराब होते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपने निवास को बनवाने में लगे हुए, 45 करोड़ रुपया निवास पे लगा दिया, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई टेंडर, 3 करोड़ के तो केवल मार्बल लगा दिया मैडम, 3 करोड़ के मार्बल फर्श पे, 1 करोड़ के पर्दे लग गए। और उस मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ के पर्दे लगवाए जो कहता था बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा,
सुरक्षा गार्ड नहीं लूंगा। मुझे ये बताइए, अरे भाई जल बोर्ड के पैसे तो आपने महल बनाने में लगा दिया, ये शीश महल बनाने में आपने जल बोर्ड के पैसे लगा दिए, इसलिए तो पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली वाले को, ना ही सीवर लाइन साफ हो रहा है। पैसे महल बनाने में लगाओगे तो यही होगा ना भैया, ये पैसा महल में किसने पैसे लगाए? हद हो गई, सत्य को सुनने में दिक्कत हो रहा है। हमने कहा था शीश महल बनाओ, हमने कहा था। अरे जो पैसा जल बोर्ड को मिलना चाहिए, आप सब लोग शांत होइए। इतने सारे निवेदन आए हैं जल बोर्ड पर बोलने के लिए, तो जल बोर्ड पे ही तो बोल रहा हूँ मैडम। आप जल बोर्ड, जल बोर्ड की स्थिति क्यों खराब हुई? चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का, मैं मौका सबको देती हूँ, जो भी विषय से भटकता है मैं सबको टोकती हूँ। मैडम मैं विषय से नहीं भटक रहा हूँ, मैं जल बोर्ड पे ही बोल रहा हूँ। मैंने सुबह बैठ के कहा था अगर बोलने का मौका चाहिए सिर्फ राजनीति छोड़कर विषय पर बोलिएगा। मेरा सिर्फ मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप विषय पर बोलिए। मैडम आपका बोलना बहुत जरूरी है, आप दोनों का बोलना मेरा बहुत जरूरी है। कहना है कि पहली बात तो ये कि आप विषय पर रहिए, विषय पर आपको जितना समय बोलने का चाहिए होगा, आठों के आठों लोगों को विषय पे बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो विषय संबंधित विषय पे ही हूँ मैडम। विषय बोर्ड की इतनी दयनीय स्थिति क्यों बनी? हाँ तो आप उस पर बात करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने निवास में बिजी थे, यही तो बताना चाह रहा हूँ। जो पैसा दिल्ली के जनता के बीच में जाना चाहिए वो पैसा अपने सुख सुविधा में लगा रहे हैं। फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा और आपकी वजह से फिर किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। मैडम अगर जल बोर्ड, तुम दिल्ली जला रहे हो ना, दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पिला रहे हो ना। विषय पर रहिए, मेरा सिर्फ शांत हो जाइए। आपको वोटिंग कराने की, आपको वोटिंग के लिए बोलने, ऐसे ही होगा। पहले उस पर रूलिंग, ये सत्य सुनना नहीं चाहते। आपको इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले उसके लिए बोल रही हूँ। ये निकाला जाए कार्रवाई से जो जल बोर्ड के विषय के अलावा इन्होंने बोला अभय वर्मा जी ने। मैडम आप विषय पर रहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जल बोर्ड की जो ये दयनीय स्थिति बनी है ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी के कारगुजारियों के कारण बनी है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जल बोर्ड पे पॉजिटिविटी के साथ बैठना चाहिए। जल बोर्ड घाटे में गई है, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, उस कमियों को दूर करना चाहिए, और दिल्ली वासी को 24 घंटे पानी देने का जो वायदा मुख्यमंत्री जी ने किया है वो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम 2 घंटे पानी सुबह और 2 घंटे पानी शाम में देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी।